तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा का। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, खगड़िया, मुंगेर, इन सभी का वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा हुआ। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। आप सिंपली उस लिंक को टच करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा का प्लेसमेंट कैसा होता है, साथ ही साथ कॉलेज में फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, साथ ही कॉलेज का कैंपस परमानेंटली है या नहीं है, कॉलेज में किन किन ब्रांच को लेकर पढ़ाई होती है, साथ ही साथ कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियाँ प्लेसमेंट देने को आती है, इसी तरह के सारे डाउट जो आपको बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा को रिगार्डिंग अपने मन में आ रही होगी, उन सारे डाउट को मैं क्लियर करने का कोशिश आगे इस वीडियो में करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीफोर ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में कॉलेज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा का। तो कॉलेज इस्टेब्लिश हुई है 2016-17 में, साथ ही साथ कॉलेज का बिल्डिंग स्टेटस पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा को अपना परमानेंटली कैंपस नहीं है। तो अभी प्रेजेंट में जो इस कॉलेज की पढ़ाई चल रही है वो प्लस टू मॉडल हाई स्कूल मधेपुरा में चल रही है, जो कि 2017 में बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा के द्वारा 4 साल के लिए लीज पर ली गई थी। तो 2021 में फाइनली 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा का जो न्यू कैंपस जो बन के रेडी हो चुका है, आगे से आप लोगों का क्लास वहीं चले। साथ ही साथ हम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpmcemadhepura.org। आप सिंपली इसे गूगल में सर्च कर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अब बात आती है इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो आपने अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप सिंपली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके एडमिशन को जो काउंसिल करती है वो बीसीईसी बोर्ड काउंसिल करती है। साथ ही साथ आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपने अगर 12th में 45% मार्क्स स्कोर किया है तो आप सिंपली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स कंपलसरी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। साथ ही आगे हम बात करें इस कॉलेज के कटअप के बारे में, तो इस कॉलेज का कटअप 50-55% के बीच में वैरी करती है। अगर आपने जेई मेंस में 50-55% का स्कोर किया है तो आप सिंपली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैंने यूजीईसी का कटअप कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि यूजीईसी का जो कटअप होता है वो हर साल बदलते रहता है। तो मैंने सिंपली 2020 का जो फर्स्ट राउंड का कटअप लिस्ट था उसका पीडीएफ सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। आप अगर बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज का कटअप अगर देखना चाहते हैं 2020 के फर्स्ट राउंड का, तो आप सिंपली उस पीडीएफ से जाके देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन से कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिंपली 5 कोर्स को मेंशन करके रखा गया है। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और सबसे लास्ट में जो दिया गया है वो अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी को इस पर मेंशन करके रखा गया है। लेकिन प्रेजेंट में इस कॉलेज में 4 ही ब्रांच को लेकर पढ़ाई होती है। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। सबसे लास्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पर भी 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। तो अब बात आती है इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के लास्ट में जो कोर्स मेंशन किया गया था अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी को, उसको लेकर कब से पढ़ाई शुरू होगी। तो जब मधेपुरा कॉलेज अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 साल के अंदर में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी को लेकर भी पढ़ाई शुरू हो जाने की उम्मीद है। तो अब बात आती है इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने का। तो इस कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है वो 2100 रुपया लगता है, वो आपको 1 टाइम लगेगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी फ़ी की बात करें तो आपको 3200 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा। साथ ही साथ हॉस्टल फ़ी की बात करें तो आपको 7200 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। साथ ही साथ मेस चार्ज की बात करें तो वो भी आपको 2600 रुपया पर मंथ लगेगा। साथ ही साथ डेवलपमेंट फ़ी की बात करें तो वो आपको 2500 रुपये पर ईयर लगेगा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करें तो वो आपको 2500 रुपये पर ईयर लगेगा। तो अब बात ये आती है कि इस कॉलेज में पूरे 4th ईयर में बीटेक कोर्स कंप्लीट करने में आपको कितने का खर्च आएगा।
तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 से 35,000 आपको इस कॉलेज में पूरे फोर्थ ईयर बीटेक कोर्स कंप्लीट करने का खर्च पड़ेगा। इसमें मैंने हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज को इंक्लूड नहीं किया है, आपको सिंपली ये अपने फोर्थ ईयर के बीटेक कोर्स का खर्च इतना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब हम बात करें इस कॉलेज की फैसिलिटी के बारे में, तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फैसिलिटी मेंशन करके रखा गया है वो है कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस, जिम, बैंक, क्लब, साथ ही साथ वाईफाई। इन सभी फैसिलिटीज़ को कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ट्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और स्पोर्ट फैसिलिटी के लिए ग्राउंड ही मिलेगा। जब कॉलेज अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगी तब आप ये 100% उम्मीद कर सकते हैं कि इन सारी फैसिलिटीज़ को आपको नए कैंपस में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ अब हम बात करें बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICET से, साथ ही साथ एफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना से। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी AICET साथ ही साथ AKU को मेंशन करके रखा गया है। तो अब हम बात करें इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती है, तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन जिन कंपनियों के नाम को मेंशन करके रखा गया उसमें सबसे पहला आता है प्रिज्म सीमेंट, दूसरा SCL, साथ ही साथ तीसरा है बोयस्का मॉडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही साथ ओकाया इन्फोसिस। इस तरह की कंपनियाँ को इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है, जो कि सारी कंपनियां इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने को आती है। साथ ही साथ इस कॉलेज में कितने % विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है इसको लेकर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन या तो फिर कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। तो अब बात आती है कि ये कॉलेज मधेपुरा स्टेशन से कितना दूर है, तो ये कॉलेज सिंपली मधेपुरा स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये कॉलेज स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक मिलेगा। तो साथ ही साथ अब हम बात करें कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर को, तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है वो सिंपली आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर इंचार्ज राजकुमार का मोबाइल नंबर दिया गया है, साथ ही साथ कॉलेज का पर्सनली ईमेल आईडी दिया गया। आपको अगर इस कॉलेज के रिगार्डिंग या तो फिर कोई भी जानकारी लेना हो तो आप सिंपली इस नंबर पर या तो फिर इस मेल पर इस कॉलेज को मेल कर सकते हैं, साथ ही साथ डायरेक्टली कॉल करके भी आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इस कॉलेज का जो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलने की कम भी उम्मीद है, क्योंकि इस कॉलेज का कैंपस अपना परमानेंटली नहीं है। साथ ही साथ आप अगर 2021-22 के सेशन में इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या तो उसके बाद अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो तब तक इस कॉलेज को अपना कैंपस मिल जाएगा, तो आपको इस कॉलेज में हॉस्टल आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब हम अगर बात करें इस कॉलेज के दूसरी निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो इस कॉलेज का जो दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस कॉलेज में आपको लाइब्रेरी बहुत ही छोटी मिलेगी, जिससे कि आपको अपने स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी बुक की ज़रूरत हो तो वो प्रेजेंट में आपको थोड़ा मुश्किल है मिलना। फर्दर फ्यूचर अगर ये कॉलेज अपने कैंपस में शिफ्ट करती है तो वहाँ पर आपको बुक अवेलेबल ज़रूर मिलेगी। तो अब हम अगर इस कॉलेज के अगले और सबसे लास्ट निगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करें, तो इस कॉलेज में ज़्यादा टेक फेस्ट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, जिससे कि आपको अपने इंजीनियरिंग लाइफ थोड़ी बोर सी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कॉलेज के कुछ निगेटिव पॉइंट्स। अब आगे हम बात करें इस कॉलेज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इस कॉलेज के पहले पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस कॉलेज का जो नया वाला कैंपस है वो सिंपली 45 से 50 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कैंपस माना जा सकता है। इसके साथ हम बात करें इस कॉलेज के अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस कॉलेज में सिंपली 30 से 40 फैकल्टीज़ है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम बात करें अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉलेज का वो ये है कि इस कॉलेज में आपको ज़्यादातर फैकल्टी MTech साथ ही साथ PhD किए हुए मिलेंगे, जो कि आपको स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी साथ हम अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, तो इस कॉलेज में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट देने को आती है, जिसमें कि प्रिज्म सीमेंट हो गया, SCL हो गया,
या तो फिर इंफोसिस हो गया, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने को आती है। आप अगर 2021-22 के सेशन में इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या तो उसके बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए ये कॉलेज एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब ये कॉलेज अपने कैंपस में शिफ्ट कर जाएगा तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जो फैसिलिटी या फिर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कॉलेज की कुछ निगेटिव पॉइंट, साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट। आप आगे इस कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ को अगर हमसे कुछ पूछना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करके यहाँ ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं भविष्य में कभी भी इस तरह के वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके।